हेलो एंड वेलकम टू 19th एपिसोड ऑफ नी पेन रिलीफ सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ नी पेन। अब ये कॉमन टाइप्स इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिना इंजरी के भी हो सकती है पेशेंट को। अब इसमें दो मोस्ट कॉमन टाइप्स क्या आती हैं, एक नी ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम। ये सब आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा गैप कम हो गया नी का, और पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम होता है जिसमें हमारा जो चपनी, जिसको हम नी कैप बोलते हैं, पटेला बोलते हैं, उसके राउंड पेन होता है। अब क्या होता है, कई लोगों को ये पता नहीं होता, वो यही समझते रहते हैं कि जितना भी नी पेन होता है वो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होता है। वो यही समझ रहते हैं कि हमारे गैप आ गया या गैप कम हो गया, वो यही टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जब भी नी पेन की बात होती है। तो अब मैं आपको डिफ्रेंशिएट बताऊंगा उसको, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस किस किस को होता है और क्या सिम्टम्स होते हैं, और नी जो पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम होता है उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि इन दोनों का ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। इसीलिए मेरे को ये ज़रूरी है ये बताना, क्योंकि कई लोग जो यंग लोग होते हैं या ओल्ड एज वाले होते हैं, उनको समझ नहीं आती कि दोनों में से हुआ क्या है, क्योंकि जब ये पता नहीं लगेगा कि हुआ क्या है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो इसीलिए विदाउट इंजरी ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, और वो कैसे उसको देखते हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट टू, उसमें मैं इसकी एक्सरसाइज बताऊंगा। वैसे मैंने इंडिविजुअली इनकी एक्सरसाइज बताई हुई है, फिर भी आपको एक बार दोनों को साथ में रिलेट करके बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज किस में करनी है और कौन सी किस में करनी है। तो इसमें हम इसके सिम्टम्स के बारे में जानेंगे और आपको इसमें पता लग जाएगा, आप खुद डायग्नोज कर पाएंगे कि मुझे दोनों में से क्या हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस किनको होता है और पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम किनको होता है, कौन से पेशेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो आपने क्राइटेरिया देखना है वो होती है एज। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हमेशा माना गया है कि डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से होता है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। जैसे जैसे हमारा जो कार्टिलेज है, हमारा सिनोवियल फ्लूइड है, वो कम होता जाता है, कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से जो हमारी फीमर बोन है और टीबिया बोन है दोनों के बीच में स्पेस कम हो जाता है। ये आप बात ध्यान से सुन लीजिए कि गैप जो होता है वो हमेशा कम होता है एक्सरे में। कभी ये नहीं कहना कि गैप आ गया, गैप आ गया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, गैप होना चाहिए दोनों चीज़ों को। अगर जब आपने मूवमेंट करनी है बोन की, तो हमेशा गैप कम होता है, तो इसमें हमेशा गैप कम होता है फीमोर अपना फीमर में और टिबिया में। तो ये हमारा टिबियो फीमोरल जो जॉइंट होता है उसमें हमारी प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले तो यही हमने देखना है कि ये टिबियो फीमोरल जॉइंट में प्रॉब्लम आती है, टिबियो फीमोरल या फीमोरो टिबियल, दोनों में से हम दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, फीमोरल टिबियल भी लिख सकते हैं, उसमें स्पेस कम हो जाता है। और ये एज होती है इसमें पेशेंट की 40+। पहले ये क्या था, पहले 50 इयर्स की एज के बाद ऐसी डिजेनरेटिव चेंजेस आती थी, पर आजकल की एक्टिविटीज़ या हमारी कह लिए कि ये के ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, पोस्चर ख़राब होने की वजह से, वीकनेस की वजह से ये 40 इयर्स वालों को भी होना शुरू हो गया। तो एज अपना जो कम हो गई है इसकी, तो 40 इयर्स प्लस वालों को ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। इसमें सबसे पहले एज का ये ध्यान रखना है। और जो पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम होता है ये हमेशा यंग पेशेंट्स को होता है, इसमें यंग एडल्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, 15 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक ये हो सकता है। अब ये क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि 40 ईयर्स के बाद नहीं होगा, ये चीज़ 40 ईयर्स के बाद भी हो सकती है, पर जो हमारा नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये हमारा 15-40 में नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी डीजेनरेटिव चेंजेस किसी की नहीं आती अनटिल अनलेस कि किसी को कोई इंजरी ना हुई हो, किसी का ACL या मेनिस्कस डैमेज ना हुआ हो। तो इसलिए ये होती है 40+ ईयर्स वालों को, ये होता है 15-40 ईयर्स वालों को, जो हमारी एक्टिविटीज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, क्योंकि यंग एडल्ट होते हैं, यंग पेशेंट्स होते हैं, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, जिमिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम यानी कि जो चपनी घिसती है ये उन लोगों की घिसती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है, एज हमने देखनी होती है दोनों में से। सेकेंड आता है पेन इन वेट बियरिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट होता है ना, उसको खड़े रहने में और चलने में ज़्यादा पेन होता है। अब इसके कंपैरिजन में जो पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम वाला प्रॉब्लम होएगा, उसमें पेशेंट को स्टेयर क्लाइंबिंग में और डाउन स्टेयर्स में पेन होता है, जैसे मतलब को सीढ़ियाँ चढ़ रहा है तब पेन होगा या सीढ़ियाँ उतर रहा है तब पेन होगा। उसका क्या रीज़न होता है, जब हमारा पटेला होता है वो अपनी ग्रूव में ना घूम के, इसकी जो पोजीशन है वो मसल इम्बैलेंस की वजह से या कोई प्रॉब्लम की वजह से, वो पटेला की जो ग्रूव है उसमें ना घूम के वो दूसरी साइड चला जाता है। तो शिफ्टिंग जब 90 डिग्री से वो सीधा होता है या एक्सटेंशन से फ्लेक्शन में आता है, फ्लेक्शन से एक्सटेंशन में जाता है, जब भी उसने 90 डिग्री तक मूव करना है तब उसकी जो फ्रिक्शन होती है पटेला की, वो पीछे फीमर के ऊपर होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसको पेन होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें वेट बियरिंग में भी पेन होता है, और अगर ज़्यादा हाई लेवल का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ये स्टेयर्स क्लाइंबिंग में भी होगा, पर उसमें आपको एज का पता लग जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है
ये हमेशा खड़े रहने और चलने में होता है, और ये कभी खड़े रहने और चलने में इतना पेन नहीं होगा। इसमें पेशेंट की वॉकिंग बिल्कुल नॉर्मल रहती है पटेलो फेमोरल सिंड्रोम में, सिर्फ स्टेयर क्लाइंबिंग सीढ़ी चढ़ते और उतरते उसको ज़्यादा पेन होता है। थर्ड पॉइंट आता है नी फ्लेक्शन पेनफुल। अब इसमें पेशेंट को अगर चौकड़ी मारने के लिए बोला जाए या नी को पूरा फ्लेक्शन के लिए बोला जाए तो वो स्पेस कम होने की वजह से पूरा नहीं कर पाता, उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो ये ध्यान रखना है इसमें और नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में। इसके कंपैरिजन में पोटैटो फेमोरल सिंड्रोम में क्या होता है, फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन, यानी कि अगर हमने 90 डिग्री तक फोल्ड किया हुआ है नी को और नी फोल्डिंग को फ्लेक्शन से 90 डिग्री फ्लेक्शन से पूरा एक्सटेंशन यानी कि 0 डिग्री तक लेके आएंगे तब उसको क्रेपिटिस यानी कि पटाके भी बजेंगे पटेला के अराउंड नी कैप के अराउंड फ्रंट नी पे और साथ में उसको पेन भी होगा। तो ये इसका ज़्यादा फीचर होता है फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन में पोटैटो फेमोरल सिंड्रोम पेन करता है। अब आते हैं एक्सरे में। अगर हमने एक्सरे में देखना हो या हमने कोई भी ऐसा डायग्नोस्टिक फीचर देखना हो रेडियोलॉजी के टाइम में तो एक्सरे में क्या आता है, इसमें एपी और लेटरल व्यू देखा जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में एपी व्यू यानी कि फ्रंट वाला व्यू और साइड वाला व्यू देखा जाता है जिसमें हमें पता लग जाता है कि इसमें स्पेस कितनी कम हुई है। और इसका अगर पोटैटो फेमोरल सिंड्रोम का करना है तो हमेशा स्काईलाइन व्यू करवाना पड़ता है, एक अलग तरह का इसका व्यू होता है स्काईलाइन व्यू उसको बोलते हैं। उसमें इस तरह से हमारा नी होता है और पटेला उसके ऊपर हमें दिख जाता है कि कौन सी साइड को डेविएट हुआ हुआ है। अगला आता है एरिया ऑफ पेन, इसमें आएगा एरिया ऑफ पेन जॉइंट लाइन। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो हमेशा हमारा आपको बताया मैंने टिबियो फेमोरल या फेमोरोटिबियल जो जॉइंट लाइन है वहाँ पे पेन करेगा, जबकि हमारा जो पटेलो फेमोरल सिंड्रोम है या कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला भी इसको बोलते हैं ये भी ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है एरिया ऑफ पेन होता है अराउंड नी कैप, पूरा जो हमारा नी कैप जिसको हम चपनी या पटेला बोल रहे हैं उसके पूरे अराउंड उसके पेन कर सकता है पेशेंट को, और वो हमेशा करता है मूवमेंट पे। अब आता है क्रेपिटस पेनफुल। क्रेपिटस का मतलब होता है जो पटाखे बजते हैं हमारे नी जॉइंट में। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हमारे नी में से आवाज़ आती है, वो क्रिक क्रिक की आवाज़ आती है, अगर वो बोन टू बोन यानी कि हमारा जो स्पेस है वो काफ़ी कम हुआ हुआ है और फीमर और टीबी आपस में जुड़ चुकी हैं तो वो बोन टू बोन जब भी वो मूवमेंट करेगा तो इस तरह से क्रेपिटस होगा, फ्रिक्शन होगी, उसकी वजह से पटाखे बजेंगे, तो वो बहुत पेनफुल होता है पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस में। जबकि पटेलो फेमोरल सिंड्रोम का क्रेपिटस जो होता है जैसे यह मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन यानी कि फोल्डिंग से जब सीधा करना है नी को तब उसमें पेन होता है, क्रेपिटस होता है, पटाखे बजते हैं, पर वो पेनफुल भी हो सकते हैं और नॉन पेनफुल भी हो सकता है, ये ग्रेड ऑफ पटेलो फेमोरल सिंड्रोम डिपेंड करता है, इसमें तो हमेशा पेनफुल ही होगा। अगला आता है कि इसमें क्या करना होता है अवॉइड क्रॉस लेग सीटिंग। इसमें हमेशा हम पेशेंट को चौकड़ी मारने से सीढ़ियाँ चढ़ने से मना करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसका जो नी है वो स्पेस कम होने की वजह से ज़्यादा वेट नहीं ले पाता, इसलिए हमें इसको अवॉइड करना पड़ता है। और इसमें पटेलो फेमोरल सिंड्रोम में हमेशा हम स्क्वैटिंग और साइकिलिंग अवॉइड करते हैं। लोग कई कहते हैं कि इसमें साइकिलिंग किया करिए, साइकिलिंग बिल्कुल नहीं करना पटेलो फेमोरल सिंड्रोम में, इसलिए नहीं करना क्योंकि वो जो है वो जब भी 90 डिग्री से सीधा करेगा तो आपको हमेशा पेन बढ़ाएगा, इसी तरह से स्क्वैटिंग भी नहीं करना। और इसमें हमेशा हम कहते हैं कि हमारी ओपन चेन एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्लोज चेन नहीं होनी चाहिए। ओपन चेन का मतलब जो हमारा साइकिलिंग हो रहा है वो हमारा ओपन चेन एक्सरसाइज है, तो इसलिए हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो वाली एक्सरसाइज कराते हैं। वो एक्सरसाइज वाला पार्ट में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें हमेशा साइकिलिंग को अवॉइड करना है क्योंकि जितना हमारा फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन होता जाएगा साइकिलिंग में उतना हमारा पेन बढ़ता जाएगा, इसलिए ये दोनों चीज़ें इसमें अवॉइड करो, स्क्वैटिंग और साइकिलिंग। और इसमें हमें क्रॉस लेग सीटिंग नहीं करना, चौकड़ी मार के नहीं बैठना और सीढ़ी कम चढ़ना है। तो ये थी हमारी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस और पटेलो फेमोरल सिंड्रोम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो सिम्टम्स और जो भी फीचर्स हैं, इससे हमें डायग्नोज होता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो नी में वो कौन सा है, क्योंकि इसका ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट जो है वो उस पर बेस्ड होता है। अगर आप नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक्सरसाइज इसमें डालते जाएंगे तो पेशेंट ठीक ही नहीं होगा, और इसकी एक्सरसाइज अगर इसमें डालते जाएंगे तो भी पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो इसका जो डिफरेंस ऑफ एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, 20th एपिसोड होगा उसका, वो भी आप ज़रूर देख लेना। तो अब आप आई होप आपको अभी समझ आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और आप भी लाइक कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से लोगों को पता लगेगा कि मुझे कौन सा नी पेन है और वो घर बैठे ही अपने आप को डायग्नोस भी कर पाएंगे और ठीक भी हो पाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। आपने हमारी लो बैक पेन सीरीज़ और नी पेन रिलीव सीरीज़, शोल्डर पेन, नेक पेन सब आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं, उसको इसी तरह से प्यार देते रहिए। और मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
हैं, उसकी छोटी सी फीस होती है, उसको पे करके आप मुझसे वन टू वन कंसल्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली अपने रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।